सामकार भाई बताइए, जो यहाँ पे जो चैंपियंस लीग हो रही है कैसी लगी आपको? आप भी बहुत बड़े लेजेंड हैं और यहाँ लेजेंड्स खेल रहे हैं। देखिए अच्छा टूर्नामेंट है। आई मीन कल जो मैच हुआ पाकिस्तान इंडिया लेजेंड्स का, वो एक बहुत बड़ी एक एग्जांपल थी इस टूर्नामेंट की, कि यू नो 22-23 हज़ार लोग बैठे थे और बड़ा अच्छा मैच भी अच्छा हुआ। सो आई थिंक इसकी सक्सेस इसी में ही है कि इसी तरह के मैचेस हों, और उम्मीद है कि आगे जब सेमीफाइनल फाइनल आएगा तो इंडिया पाकिस्तान फिर एक दफ़ा मिलेगा, फिर वापस होपफुली इस तरह का क्राउड आएगा। तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है, मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में 6 साल का यह कॉन्ट्रैक्ट है इनका इस टूर्नामेंट को कराने का। सो आई थिंक इट बी वंडरफुल। ब्रिटिश पाकिस्तानी ने कल जिस तरह सपोर्ट की पाकिस्तान को, वो जो, और इसके अलावा इंडियन जो थे, तो जो आप समझते हैं कि इट्स जो पाकिस्तानी और इंडियन और दूसरे कंट्रीज़ के लोग हैं उसके लिहाज से ये आइडियल कंट्री था मैचेस के लिए इन सारे, क्योंकि हर कंट्री का ही सपोर्टर मौजूद है यहाँ पे। देखिए यू नो इंडियन पाकिस्तानी तो हर जगह हैं, और यहाँ पर अजबेस्टन हो गया, मैनचेस्टर हो गया, नॉर्थहैम्पटन अभी हम जा रहे हैं, तो आई थिंक ये एक आइडियल प्लेस है। आई मीन हम दुबई कहते हैं, लेकिन आई थिंक इंग्लैंड हो गया, इंग्लैंड में इससे बेहतर नहीं जगह बर्मिंगम हो गया, मैनचेस्टर हो गया, इससे बेहतर जगह मेरा नहीं ख्याल है कि अगर इस तरह का टूर्नामेंट कराना है, बेस्ट प्लेस है। विकार भाई, लेजेंड्स लीग चैम्पियनशिप है, तो इसमें क्या फ्यूचर में हम आपको या वसीम भाई को देख सकते हैं? वसीम भाई का तो नहीं मुझे पता, लेकिन मुझे आप नहीं देखेंगे। बच्चा आपके सामने कि मैं खेलने के काबिल नहीं हूँ। नहीं, आप माशाल्लाह अभी बड़े फिट हैं। आपकी जो पिछले दिनों से आप एक सीरीज कर रहे हैं, वो टिपाल के हवाले से लोग फैंस उसको बड़ा पसंद है। वो मस्ती है ना सर, वो मस्ती है, वो तो मस्ती करते हैं। आपने वो चाहत फतेह अली खान का किया था, वही बात कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू।